हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। और आज मैं जो सैंडविच बनाऊंगी वो बिना ग्रिल का बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप मॉर्निंग में, इवनिंग में या स्नैक्स में कभी भी बना के चाय के साथ एंजॉय कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम वेजिटेबल सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 4 ब्रेड। यहाँ पे हम ब्राउन ब्रेड लिए हैं, आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। 2 बड़े आलू को हमने बॉयल करके छील के मैश लिया है। अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, कैप्सिकम, टोमेटो, धनिया पत्ता, ग्रीन चिल्ली, ओनियन, तो इन सारे सब्जियों को हमने धो के बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे हम बटर में उसे सेकेंगे। तो सबसे पहले हम मैश किया हुआ आलू लेंगे और उसमें डालेंगे सब्जी। तो यहाँ पे हमने ग्रीन कैप्सिकम डाला है, आप चाहें तो इसमें रेड येलो भी डाल सकते हैं। ओनियन, टोमेटो, ग्रीन चिल्ली, चिल्ली आप अपने तीखापन के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। धनिया पत्ता, तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकती हैं। ये बच्चों को खिलाने का बहुत ही आसान तरीका है। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं उसे हम आसानी से सब्जी खिला सकते हैं और वो लोग पसंद भी करते हैं। तो हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। यहाँ पे हम आधा चम्मच चाट मसाला डाल रहे हैं, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हम ब्लैक पेपर डालेंगे। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम चम्मच से या हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ आपको आलू के साथ सब्जी, नमक, मसाला अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो सब्जी जो है इधर उधर अलग अलग टेस्ट में आने लगता है। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा प्लेट लेंगे और इस पे हम 2 ब्रेड को ऐसे फैला देंगे और इसके ऊपर हम मसाले को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो हम ढेर सारा, तो ऐसे हम चारों तरफ फैलाते हुए ढेर सारा सब्जी फैला लेंगे और हम दूसरे प्लेट पे भी सब्जी फैला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 2 सैंडविच बनाना आपको बता रहे हैं। तो ऐसे हम इसे भी फैला लेंगे। ये हम बिना ग्रिल का इसे पैन में बना के आपको दिखाएंगे। बहुत आसानी से बन जाता है और खाने में तो इतना टेस्टी होता है कि आप एक बार बच्चों को बना के दीजिए, बच्चे भी बार बार मांगेंगे और आपको भी बनाने में मजा आएगा। अब हम दूसरे ब्रेड से इसे कवर कर लेंगे और हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे जिससे कि ये दूसरा वाला ब्रेड भी उसमें चिपक जाए। अब हमें क्या करना है, एक साइड हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। तो ऐसे हम बटर को फैलाते हुए लगा लेंगे। आपको ज्यादा बटर चाहिए तो ज्यादा लगाइए, कम चाहिए तो कम लगाइए।
क्योंकि हम घर पे जब बनाते हैं तो अपने मन पसंद से बनाते हैं। तो ऐसे ही हम दूसरे ब्रेड पे भी बटर लगा लेंगे। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हम एक पैन या तावा रख लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। पैन को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम बटर वाले साइड से सबसे पहले सैंडविच पैन में रखेंगे और हल्के हाथों से हम प्रेस कर लेंगे। अब हम एक कवर से इसे कवर करके 2.5 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम कवर को हटा लेंगे और हम क्या करेंगे, इसके दूसरे साइड पर हम अभी ही बटर लगा देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि आप अपने पसंद के अनुसार बटर ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो ऐसे हम चारों तरफ से बटर फैला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक स्पैचुला की मदद से इसे फ्लिप करेंगे। तो बड़ी ही आसानी से हम इसे ऐसे हल्के से अंगुलियों की मदद से फ्लिप कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया ब्राउन कलर आया है सैंडविच का, देख के ही मन खुश हो जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, बिना कवर किए इसे 3 मिनट तक दूसरे साइड से सेकना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। तो हमने दूसरे साइड से भी सैंडविच सेक लिया है, अब हम इसे निकालेंगे। तो ऐसे हम आसानी से एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए दूसरे साइड से कितना प्यारा कलर आया है। तो हमें सैंडविच सेकने में टाइम कितना लगता है, 2.5 से 3 मिनट एक साइड और 2.5 से 3 मिनट एक साइड। तो हम आराम से बिना ग्रिल का पैन में तावे में घर पे एकदम टेस्टी सैंडविच बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे काट के दिखाते हैं। तो हम इसे उठा के किसी हार्ड चीज पे रख लेंगे और एक नाइफ की मदद से आप अपने मनपसंद शेप में काटिए। हम कॉर्नर टू कॉर्नर काट रहे हैं तो आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा कितना क्रिस्पी सैंडविच तैयार हुआ है। तो ऐसे हम इसे दो पार्ट में करके दिखाएंगे। देखिए कितना प्यारा सैंडविच तैयार हुआ है। गर्मा गर्म वेजिटेबल सैंडविच बनकर तैयार है। इसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच बॉक्स में या शाम को स्नैक्स में बना सकती हैं। ये चाय के साथ बहुत ही मजेदार लगता है और बच्चे के लिए तो हेल्दी और टेस्टी है ही। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।